हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मात्र एक घंटे में अलग अलग जगह पर महिलाओं के साथ एक ही दिन में लूट की तीन सनसनीखेज वारदात करने वाले अंतर जिला बावरिया गैंग का पर्दाफाश। एक दर्जन से अधिक लूट व चोरी की वारदात कबूली। दो महिलाओं सहित चार शातिर अभियुक्त गिरफ्तार। पाली जिला पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। लूट की वारदात करने वाले अंतर जिला बावरिया गैंग का हुआ पर्दाफाश। जिला पुलिस अधीक्षक कालूराम रावत ने बताया कि दिनांक 26 मई को सुबह 5 बजे पर किरो की दाणी में प्राथी शांति पत्नी बुद्धाराम जाति की निवासी किरो की दाणी पाली में पल्सर बाइक पर तीन युवकों द्वारा अचानक मोटरसाइकिल रोकी और पकड़कर नाक की बाली तोड़कर फरार हो गए। वहां से वारदात करके उसी दिन 5:30 बजे तोकावास पुलिस थाना गुंडा एंदला में प्राथी सुखी देवी पत्नी स्वयं कुपाराम जाति देवासी निवासी तोकावास जिला पाली सुबह कबूतरों को दाना डालते वक्त पल्सर बाइक पर तीन युवकों द्वारा अचानक मोटरसाइकिल रोकी, गले में पहनी सोने की कट्टी छपटा मारकर तोड़कर ले गए तथा उसके बाद पुलिस थाना ट्रांसपोर्ट सुबह 6:15 पर प्राथी सुमेर बंजारा जाति भाट निवासी डागो की डाणी नया गांव पाली में पल्सर बाइक पर सवार तीन युवकों द्वारा जबरदस्ती गले में पहनी सोने की कंठी व सोने की चौकी आरी पत्ती से काटकर ले गए। लगातार हुई लूट की तीनों घटनाओं को गंभीरता को देखते हुए अज्ञात मुलजिमान की धरपकड़ हेतु डॉक्टर तेजपाल सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में निशांत भारद्वाज पुलिस उपाधीक्षक पाली शहर व थानाधिकारी गौतम जैन पुलिस थाना कोतवाली के निर्देशन में टीम का गठन किया गया और लूट की वारदात में लिप्त गिरोह की खोजबीन शुरू की। पुलिस थाना कोतवाली की टीम द्वारा लगातार 10 दिनों तक दिन रात मेहनत करके अथक प्रयासों से सीसीटीवी कैमरों की पैकिंग व मुखबिरी सूचना से लूट की वारदात करने वाले बावरिया गैंग को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। बावरिया गैंग आले दर्ज के बदमाश नकबजन हैं, जिन्होंने जिला पाली जोधपुर नागौर अजमेर सीकर जयपुर टोंक चूरू में लूट व चोरी दो दर्जन से अधिक वारदातें करना स्वीकार किया है। उक्त मुलजिमानों से पूछताछ जारी है तथा और भी वारदात खुलने की संभावना है। पुलिस टीम ने अलग अलग काम डिवाइड करके सब लोगों ने अलग अलग काम देखा किया और अंततः ये पता चला कि जाडन इलाके में हाईवे पर कुछ संदिग्ध एक रात पहले दिखाई दिए थे। उस आधार से तकनीकी और गोपनीय जानकारियां करते हुए और पाली जिले से अजमेर जयपुर हाईवे के जितने भी टोल टैक्स हैं वहाँ के सीसीटीवी फुटेज देखते हुए फुलेरा थाना इलाका जयपुर ग्रामीण जिले का है, फुलेरा थाना इलाके के एक गांव के कुछ संदिग्ध लोगों की पहचान की गई और जयपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक से इस संबंध में सहयोग लिया और गत दिवस अर्ली मॉर्निंग वहां पर पाली पुलिस टीम ने दबिश दी और चार अपराधियों को जिनमें दो महिलाएं हैं इनको लूट की वारदातों में गिरफ्तार किया है। इन्होंने पूछताछ पर पाली जिले में जनवरी से अब तक की कुल 8 वारदात लूट की स्वीकार की है। इनकी मॉडस ऑपरेंडी है कि ये दिन के समय में भी आते हैं और चार पहिया वाहन का उपयोग करते हैं, मोटरसाइकिल का उपयोग भी करते हैं, सुनसान जगह पर महिलाओं को अकेला देखकर उनके साथ लूट की वारदात करते हैं। राजस्थान सोजर से जागरूक टीवी के लिए बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।